मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं अलमीन अकेडमी में बैठा हूँ, बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अलमीन जो अकेडमी बनी है औरतों के लिए बापर्दा इंतज़ाम है, उससे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर और सपोर्ट करें। कि कुरान पाक पढ़ने के साथ रोज़ाना मुहासबा हो कि आया मेरी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक है या नहीं। अव इल्मिन युन्तफ़ऊ बिही, फरमा इल्म जिसे अल्लाह की मखलूक फ़ायदा उठा रही है। रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का शबे गम ने जलना सीखा। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नम्दो व नसल्ले व नसल्लम अला रसूलिल करीम। मौज़ सामीन, अल्लाह सुभाना व तआला ने इंसानों की पूरी कामयाबी अपने पूरे दीन के अंदर की है और दीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने का नाम है। इसके लिए हमें फहम दीन की बड़ी ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ का इल्म होगा उस पर हम अमल कर सकेंगे। इसी कमी को महसूस करते हुए अलमीन अकेडमी का वजूद लाया गया, एक अकेडमी बनाई गई ताकि हम लोगों को दीन का इल्म अता कर सकें, दीन की रोशनी में चलना दीन के ऊपर आसान हो जाता है। इसी अकेडमी के जो दरखशां कोर्सेज़ हुए जिसमें से सीरत कोर्स हुआ और उसके अलावा इस्लामिक नर्सरी कोर्स बच्चों के लिए कराया गया, इसके अलावा कुरानिक डिप्लोमा और अब नाजरा क्लासें भी चल रही, सारे रोशन इकदाम हैं जिनको सब लोगों ने बहुत पसंद किया और अपनी चाहत का इज़हार किया कि इनको इनका सिलसिला जो है दराज किया जाए। तो बच्चे जो हैं वो कौम का सरमाया होते हैं, बच्चों का ज़ेहन जो है उसके अंदर जो बात डाल दी जाए अच्छी वो पकड़ लेते हैं, और अगर उनके सामने को हम अपनी इस्लामी ज़िंदगी नहीं रखेंगे तो दूसरी तरफ मुतवज्जे होने के चांसेस हैं। इसलिए अल अमीन अकेडमी का एक और रोशन कदम है, ये फैसला किया कि हिफ्ज़ुल कुरान के साथ साथ मैट्रिक साइंस जो है बच्चों के लिए जो है एक कोर्स तख्लीक किया जाए जिसमें इंग्लिश और अरबी बोलने और लिखने के साथ हिफ्ज़ुल कुरान डेली वीकली एंड मंथली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट के साथ और बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम कि आपको पता हो कि भाई ये रोज़ाना यहाँ बच्चे आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास, प्रोजेक्टर्स और एसी क्लासरूम्स, यानी कि रूहानी और तख्लीकी साहियतों को उजागर करने का माहौल मुकम्मल एक प्रोवाइड किया जाएगा। इस एटमोसफियर को आप ख़ुद भी विज़िट करके देख सकते हैं कि पाँचवीं छठी और सातवीं क्लास के इम्तहान दियोए तालब इल्म दाखिला ले सकते हैं इसके अंदर। तो इसका क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह यकम अप्रैल को होगा। अल अमीन अकेडमी की तरफ से आप सबको पुरखलूस दावत दी जाती है कि इस अदारे के अंदर आएँ और अपना जो है विज़िट करके इसको देखें और अपनी तजावीज़ पर हमको नवाजें। जज़ाक كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله